डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2020 के सेट नंबर 2 को लेकर हाजिर हूं और आज हम लोग इस सेट को समाप्त करने वाले हैं। कल से हम लोग सेट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। सेट नंबर 3 अध्ययन कराने के बाद मैं आपको 2023 के सभी सेट को सॉल्व कराऊंगा, फिर बाकी बचे हुए समय में हम लोग 2020 और 22 को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एल्डिहाइड बनाने की 3 विधियों का वर्णन करना है आपको और आपको बताना है कि इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया क्या है। तो ये एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया पर मैं आपसे बातचीत ही नहीं करूँगा क्योंकि मैं पिछली क्लासेज में आपको विस्तारपूर्वक समझा चुका हूँ। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधियों के बारे में। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग बनाने की विधियों को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला भैया, अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला आप जान लीजिए क्या होता है, RCHO। तो आपको सबसे पहला तो दिखा होगा कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ठीक है। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दीजिए, इसमें आप लिखेंगे क्या, या आप ले लीजिए एल्कोहल, मैं लिखता हूँ RCH2OH, क्योंकि मैंने कहा था भैया जब ऑक्सीकरण होता है तो आपको लेना पड़ता है CH2OH, क्योंकि यही जो CH2OH है, ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग, ध्यान से देखिए CH2OH है, वही बदलता है CHO में और वही बदलता है COOH में, समझे कि नहीं समझे आप। तो ये CH2OH तो आपको लेना ही पड़ेगा, फिक्स है। तो हमने अल्कोहल का सूत्र लिखा RCH2OH, वैसे तो हम लोग ROH लिखते हैं अल्कोहल का सूत्र, ध्यान दीजिएगा, परंतु हमको यहाँ पे CH2OH चाहिए ना, इसलिए हमने एक कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ा लिया हुआ है और हम इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं। देखिएगा, गलती से भी यहाँ क्षारीय KMnO4 मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपने क्षारीय KMnO4 रखा तो क्षारीय KMnO4 रखने के बाद ना ये तुरंत ही बदलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, मतलब यहाँ से कूद के तुरंत यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लेना है अम्लीय K2Cr2O7 या अम्लीय KMnO4 लेना है। क्या लेना है आपको, अम्लीय K2Cr2O7 या आप लेंगे यहाँ पे अम्लीय KMnO4, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अम्लीय K2Cr2O7, ठीक, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से आपका बन जाएगा RCHO, क्या बनेगा, RCHO, ठीक, बस आपका बन गया एल्डिहाइड और आपका एक अणु जल निकल जाएगा भैया बाहर, ये कंडीशन होती है। दूसरा, इसमें मैंने आपको एक और तरीका बताया था, आप कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए तब भी बन जाएगा, वो भी ऑक्सीकरण ही होगा, इसीलिए आप उसको दूसरी विधि में शामिल कर तो सकते हैं, परंतु ये उचित नहीं होगा, मैं दूसरी विधि में बोल ही देता हूँ, मैं 4 बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, याद रखिएगा आप लोग, विहाइड्रोजनीकरण, अरे हाइड्रोजन का निकलना विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है जी, ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोजन पृथक होता है तभी तो ऑक्सीकरण ही होता है ना, याद रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, तब इसको RCH, उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH और इसका एक H यहाँ पे रहेगा ऊपर, ठीक है, और आपको गर्म करना है कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने आपको बता रखा है ये सवाल पीछे। तो तुरंत ही क्या होता है, यहाँ CH और यहाँ CH निकल जाता है बाहर और भैया देखिए आपका बन जाता है RCH और डबल बॉन्ड O और प्लस क्या निकला बाहर, H2। देखिए, भी हाइड्रोजनीकरण हो गया कि नहीं हो गया, है, समझिए आप बात को ध्यान से, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ें, देखिए अगला सवाल पे चलते हैं, तीसरा नंबर देखा जाए, तीसरी विधि इसकी क्या होगी। तीसरी विधि आप बना लीजिए रोजनमुंड अपचयन से, तीसरी विधि में आप बनाइएगा रोजनमुंड अपचयन से, यहाँ पे देखिए रोजन भी लिखा जाता है कहीं कहीं, तो रोजनमुंड अपचयन से, ठीक है। तो रोजनमुंड अपचयन से क्या बनेगा भैया आपको बोलिए, तो रोजनमुंड अपचयन होता किसका है बताइए, अम्ल हैलाइड का, किसका होता है, अम्ल हैलाइड। तो आपको लेना पड़ेगा RCOCl, ये है अम्ल क्लोराइड, तो अम्ल हैलाइड का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। तो आपको लेना है यहाँ पे अम्ल क्लोराइड, हो जाएगा ना, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ पे आपको दिखा RCOCl, आप भैया करा देंगे इसका अपचयन, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, PD
ऑब्लिक BaSO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो समझिए आप होता क्या है इस रिएक्शन में। यहाँ से भैया निकल जाता है आपका Cl बाहर, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन आते हैं, एक H Cl को लेकर फरार हो जाता है, और आपका H एक R के जुड़ जाता है, तो बन जाता है RCHO, और यहाँ पे बीच में लग जाता है प्लस। देखिए यहाँ भी एल्डिहाइड बन गया, नहीं बन गया, रोजनमोंड अपचयन से अम्ल हैलाइड का PD ऑब्लिक BaSO4 से ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, सॉरी अपचयन करने पर क्या बनता है, अम्ल हैलाइड से क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। अम्ल हैलाइड से क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, याद रखिएगा। यही है रोजनमोंड अपचयन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के रख लीजिए, क्योंकि नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे कि रोजनमोंड अपचयन क्या है, तो क्या कहेंगे, अम्ल हैलाइड का PD ऑब्लिक BaSO4, कुछ लोग इसे पैलेडियम आधारित BaSO4 भी बोलते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, कि उपस्थिति में अपचयन कराने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा नंबर मैं आपको बता देता हूँ स्टीफन अभिक्रिया से, ये भी आप लिख के रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टीफन अभिक्रिया से। ठीक है, चलिए, तो स्टीफन अभिक्रिया क्या कहती है कि देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लेंगे आप एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का आप SnCl2HCl के द्वारा कराएंगे अपचयन, SnCl2HCl के द्वारा, यहाँ पे C रहेगा याद रख लीजिएगा। ठीक है, SnCl2HCl के द्वारा आप कराएंगे इसका अपचयन, ये हुआ आपका एल्किल साइनाइड। तो भैया दो हाइड्रोजन आते हैं और एक पाई टूटता है आपका, एक ही पाई टूटता है याद रखिएगा, एक पाई टूटता है और डबल बॉन्ड, एक मिनट कहाँ भाग रहा है जी, CH डबल बॉन्ड NH, मतलब दोनों को एक एक H मिल जाता है, और ये भैया आपका बन जाता है एल्डिमीन, क्या बनता है जी, एल्डिमीन बन जाता है। ठीक है, ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें होता क्या है, जब एल्डिमीन बन जाता है आपका, तो आप इसका करा देते हैं जल अपघटन, तो इसके स्टीफन अभिक्रिया में दो पद होते हैं, जो देखिए आपका पहला पद हुआ एल्किल साइनाइड का SnCl2HCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्डिमीन बनता है, दूसरा आप एल्डिमीन का करा दीजिए जल अपघटन, ये तो आपके पैटर्न पर आधारित हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए तो जरा, आपके पैटर्न पर आधारित हुआ ना, याद रखिएगा, दिमाग में लगाइए, क्या किया आपने, इसका HOH करा दिया, क्या कराया, HOH। अब जरा भैया बता दो तो कि कौन किसके पास जुड़ेगा, बोलिए, जो H है वो N के पास जाता है, जो OH है वो C के पास जाता है, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, तो RCH, और इकरे भैया के पास चले जाते हैं 2OH, कितने OH चले जाते हैं जी, 2OH, और ये भैया NH3 निकल जाता है बाहर। अब आपने कहा बस गुरुदेव बस, मैंने कहा क्या हुआ, आपने कहा देखिए ये आपने कहा था कि यहाँ से एक OH और यहाँ से H निकल जाएगा बाहर, मतलब H2O निकल जाएगा बाहर, तो मैंने कहा तब आपने कहा अरे क्या हो गया, देखिए RCHO बन गया कि नहीं RCHO, हैं बोलिए RCHO बनाना, एकदम आराम से आप बनाइएगा, पैटर्न पढ़िए बनाइए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस रिएक्शन को, मतलब यहाँ से आप इस चीज़ में RCHO डायरेक्ट लिख सकते थे, परंतु मैंने क्या किया, मैंने आपको एक बार दिखाया कि आप एक बार पैटर्न भूलिए मत, याद रखिए अपने आप, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका पैटर्न, यहाँ से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, RCHO हो गया कंप्लीट आपका। चलिए आगे बढ़े, देखिए तो ये आपका हो गया एल्डिहाइड बनाने की चार विधियाँ, कितनी, चार मैंने बताई, दो ऑक्सीकरण की हो गई, एक रोजनमोंड अपचयन हो गई, और एक स्टीफन अभिक्रिया हो गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें आपके पैटर्न ने ही काम किया है, और आप आराम से कर सकते हैं इस रिएक्शन को, आपको हलवा लगा होगा रिएक्शन जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनसे मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आप जाइए पीछे, पैटर्न की कम से कम 3 क्लास है उसको देख लीजिए, आप रिएक्शन एकदम उंगलियों पर नचाने लगेंगे, नहीं करेंगे तो बस घूमते रहेंगे, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, देखेंगे जरा कुछ और चीज़ें दी गई थी क्या इसमें, हाँ एल्डोल संघनन कैनिजारो अभिक्रिया, ये तो भैया एकदम जाना पहचाना है, घर का है, बोलिए कितनी बार मैं इसको समझा चुका हूँ, क्यों समझाऊँ फिर, यहाँ पे टाइम की बर्बादी हम लोग क्यों करें, जो आप जानते हैं उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप जाइए पीछे क्लास देखिए, थंबनेल में लिखा हुआ है एल्डोल संघनन कैनिजारो अभिक्रिया, उसी क्लास को आप देखिए, उसमें आपको विस्तार से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कुछ रिएक्शंस हैं आपके, कर भैया बेंजल्डिहाइड की जो क्रिया है वो करानी है सेमी कार्बेजाइड से, तो ये तो मैंने आपको 6 रिएक्शन बताए हुए थे, कितने रिएक्शन, 6 रिएक्शन बताए थे कार्बोनिल यौगिकों के। ठीक है, उसी में आपका ये भी है एक सेमी कार्बेजाइड, मैंने कहा था ना कि ये आपके जो 6 रिएक्शन थे उन सब में आपके H2N NH ऐसे कंपाउंड होते हैं कि नहीं होते हैं, आगे आप इसमें जो चाहिए वो जोड़ते चले जाइए, हैं, अगर यहीं पे NH2 था, हाइड्राजीन बोला हमने, यहीं पे अगर हमने C6H5 रख दिया, इसको हमने फेनिल हाइड्राजीन बोला हमने, उसके बाद अगर हमने इसको बोल दिया, देखिए यहीं पे हमने जोड़ दिया CONH2, यहीं पे हमने जोड़ दिया था
सी ओ एन एच टू, देखिएगा यहीं पे हमने जोड़ दिया सी ओ एन एच टू, यही तो था आपका सेमी कार्बेजाइड, यही तो था आपका सेमी कार्बेजाइड, एन एच टू एन एच सी ओ एन एच टू, यही है आपका सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो भैया, आपको निकालना यहाँ का एच टू है और जो आपका कार्बोनिल यौगिक है उसका ऑक्सीजन निकालना है। तो आइए जरा बेंजल्डिहाइड का क्रिया देख लेते हैं हम लोग, सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ, और इसकी क्रिया करानी है सेमी कार्बेजाइड से, एच टू एन, एन लिखना है जी, क्या लिख रहा हूँ मैं, आजकल दिमाग नहीं सही चल रहा है, एच टू एन एन एच, उसके बाद सी ओ एन एच टू, करें क्या, आधा दिमाग तो आप ही लोग खा गए, पढ़ते लिखते हैं नहीं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, हमारा दिमाग तेज चलने लगेगा अपने आप। यहाँ से ओ, यहाँ से एच टू, देखिए भैया निकल गया ना बाहर तुरंत, बस यौगिक कंपाउंड जो बन के हो तैयार हो गया आपका, सी सिक्स सी एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच, फिर सी ओ, और क्या आ गया यहाँ पे, एन एच टू आ गया, हो गया कि नहीं आ गया, बस आराम से आप इसको समझ जाएंगे। तो देखिए कितना आसान रिएक्शन है, क्या नाम होगा इसका, एल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन इसका नाम बोल देंगे आप, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन हो जाएगा ना, आसानी से आप कर सकते हैं इसको। चलिए तो भाई जरा देखिए, पहला आपका रिएक्शन धुआं धुआं उड़ गया, आपने पीछे पैटर्न में पढ़ा था, आराम से आपने कर दिया इसको। फिर देखिए कीटोन की एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया हो रही है, कीटोन की जब एथिलीन ग्लाइकॉल से क्रिया होती है तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको मैंने पढ़ाया था एल्कोहलों की कार्बोनिल यौगिक से क्रिया, जहाँ पे आपके हेमी एसीटल और एसीटल बने हुए थे, तो आप जाइएगा जरा उसको देखिएगा, और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जब एल्कोहल की आप कार्बोनिल यौगिक से क्रिया कराते हैं, एल्कोहल की आप कार्बोनिल यौगिक से क्रिया कराते हैं, तो जो आपका कार्बोनिल यौगिक होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ से इसका एक एच निकल के उसके पास जाता है, तो ये आपका ओ इसके साथ जुड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है सी, और यहाँ पे बनता है ओ एच, और यहाँ पे बन जाता है आपका ओ आर, और यहाँ पे बॉन्ड खुला रहता है। फिर आपका जो ओ एच होता है फिर से वही कहानी करता है, ये बाहर निकलता है, उसके बाद अगला भी ओ आर जुड़ जाता है, और आपका बन जाता है एसीटल, एक हेमी एसीटल बनता है और एक एसीटल बन जाता है। ठीक है, तो मैं अभी इस रिएक्शन को नहीं दिखाने वाला हूँ, अगर कभी हमारे सामने पड़ा तो मैं आपको इसके साथ चर्चा में लूँगा। ठीक है, बस मैंने आपको एक तरीका बताया कि इसमें अल्कोहल का एच निकलता है, कार्बोनिल यौगिक का ओ निकलता है, ये बात दिमाग में भर लीजिए आप। ठीक है, तो कैसे होता है देखिएगा जरा आप, देखिए हम यहाँ पे लेने वाले हैं, कह रहा है कि किसकी क्रिया करा रहे हैं भैया, कीटोन की एथिलीन ग्लाइकॉल, कहेंगे आपने ये क्यों बताया, जरा देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। कीटोन, कीटोन है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसकी क्रिया एथिलीन ग्लाइकॉल से करानी है, एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र जान लीजिए आप, दो ठो सी एच टू होता है और दोनों पर जुड़ा होता है ओ एच, दोनों पर जुड़ा होता है ओ एच, देखिए आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, तो जैसे ही आपको ये क्रिया मिली यहाँ से आपका एच निकल जाएगा, दोनों का एच निकल जाएगा, क्योंकि दो हैं तो एक ही बार में काम हो जाएगा। ठीक है, दो हैं तो एक ही बार में काम हो जाएगा, ज़्यादा आपको सोचना बिचारना नहीं है, दो पद नहीं लगेगा इसमें, एक ही बार में हो जाएगा, इसमें हेमी एसीटल और एसीटल जैसी बात ही नहीं आएगी, एक ही बार में बन जाएगा कीटल। ठीक है, क्योंकि कीटोन लिया ना आपने तो कीटल बन जाएगा बस एक ही बार में। तो क्या हुआ यहाँ पर रिएक्शन देखिए, आर सी आर, फिर यहाँ बचा ओ, फिर यहाँ पे बचा ओ, और यहाँ पे आपका आया सी एच टू, और नीचे भी आपका आया सी एच टू, ये जुड़ गया आपका। ठीक है, तो ये एक यौगिक है कीटल, कैसा यौगिक है, कीटल यौगिक है। ठीक है ना, मतलब कीटोन जब एल्कोहल से क्रिया करता है तो यौगिक बनता है कीटल, और जब एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्कोहल से क्रिया करता है तो बनता है एसीटल, एक एसीटल और एक कीटल। ठीक है, कभी मैं एसीटल लेके आऊँगा, अभी पूछे जाने दीजिए पेपर में, किसी न किसी सेट में आया होगा, वहाँ पर मैं चर्चा कर लूँगा आपसे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलिए, कह रहा है प्रोपेनोन बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तो ये आप बताइए ये आपका क्या जानते बताइए, तो ये आपका कीटोल संघनन है भैया, कीटोल संघनन है, कीटोल संघनन है, लिख के ले लीजिए सी एच थ्री सी, उसके बाद डबल बॉन्ड ओ, इसको हटाना पड़ेगा इधर से, डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, डबल बॉन्ड ओ कहाँ दिखा रहा हूँ जी मैं, चलिए कोई बात नहीं मैं ऊपर ही दिखा देता हूँ, उसके बाद इधर साइड में प्लस आएगा आपका, दूसरे वाले का सी एच थ्री आएगा, और ये सी डबल बॉन्ड ओ और इधर सी एच थ्री, बस अदला बदली कैसे देखिएगा जरा, ये वाला एच आपका चला जाता है इस ऑक्सीजन के पास और ये कार्बन चला जाता है इस कार्बन के पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधा नीचे उत्पाद लिखता हूँ, देखिए सी एच थ्री सी
ओ एच सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी ओ सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। यह है भैया आपका कीटोल। क्या है ये? कीटोल। परंतु अब की बार जानते हैं सेटवा में इसका यूपीएससी नाम पूछा गया था। बताइए जरा इसका यूपीएससी नाम तो आप धड़ाक से बताइए। तो देखिए गिनती करिए, यहाँ से करेंगे एक दो तीन चार पाँच। तो फोर पे लगा आपका हाइड्रोक्सी, फोर हाइड्रोक्सी एच वाई डी आर ओ एक्स वाई फोर हाइड्रोक्सी। फोर पे ही लगा आपका मेथिल, देखिए मेथिल है ना ये, और फोर पे हाइड्रोक्सी, और पाँच है पेंट हो जाएगा पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड एन और टू ओन पेंटेन टू ओन। ठीक है, तो फोर हाइड्रोक्सी फोर मेथिल पेंटेन टू ओन है इसका यूपीएससी नाम। ऐसे पेपर में पूछा गया था, कैसे कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से, कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से फोर हाइड्रोक्सी फोर मेथिल पेंटेन ओन। ठीक है ना, ये पूछ लिया गया था पेपर में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख के रख लीजिएगा। 2023 में पूछा गया आपसे, और 2023 में एक सेट में पूछा गया था क्या होता है जब एसीटोन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्डिहाइड एल्डोल संघनन देता है, लेकिन ये जो आपका एसीटोन है वो भैया बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ देता है। ये बात को अपने दिमाग में भर लीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा मत इस बात को। बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ देता है कीटोल संघनन, कीटोल संघनन। ठीक है, इसको भी एल्डोल संघनन कह सकते हैं, कोई गलती नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लीजिए, कह रहा भैया आर सी ओ एच, आर सी ओ एच को पी सी एल फाइव के साथ गर्म करते हैं। इसको तो आप धुआं धुआं ही कर देंगे ना, बोलिए क्या होगा इसमें? आर सी ओ ओ एच प्लस पी सी एल फाइव किस पे अटैक करता है बताइए तो जरा, किस पे अटैक करता है? ओ एच पे अटैक करता है। तो आर सी ओ सी एल, आर सी ओ सी एल है, बना कि नहीं बना? प्लस क्या बनता है बोलिए तो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता है, पी ओ सी एल थ्री प्लस एच सी एल बनता है ना, हो गया। देखिए कितना आसान रिएक्शन था, सोचिए बिचारी मत उड़ाते जाइए इसको। बेंजल डिहाइड को एन ए एच के साथ गर्म करते हैं कैनिजारो अभिक्रिया, बेंजल डिहाइड को एन ए एच के साथ गर्म करते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कैसे? देखिए सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तुरंत ही ये एन ए एच के साथ कैनिजारो अभिक्रिया देगा, तुरंत ही ये एन ए एच के साथ कैनिजारो अभिक्रिया देगा। वो भी कितने परसेंट? 50% एन ए ओ एच के साथ गर्म करने पर कैनिजारो अभिक्रिया देगा। इस कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, एक आपका सी एच ओ ऑक्सीकृत होता है और एक आपका सी एच ओ अपचयित होता है। तो जब सी एच ओ का ऑक्सीकरण होगा, शुरू में ही चले जाइए सबसे पहले पेज पे देखिएगा यहाँ पे आप, जब सी एच ओ का ऑक्सीकरण होगा तो सी ओ ओ एच बनता है, और जब सी एच ओ का अपचयन होगा तो सी एच टू ओ एच बनता है। बस खेल खत्म भैया, देख लीजिएगा। देखिए एक का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो उसको बना दीजिएगा सी सिक्स सी एच फाइव सी ओ ओ एच, ठीक है। और ये जो भैया आपका सी 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 सिक्स एच फाइव सी ओ एच हैं, ये एन ए ओ एच से रह नहीं पाते हैं और क्रिया कर लेते हैं, तो सी ओ ओ एन ए आपको उत्पाद में दिखने लगता है। तो डरिएगा नहीं, अगर इसी पे छोड़ देंगे तब भी सही है, याद रखिएगा, नहीं तो इसको एन ए लिख सकते हैं, क्योंकि आधे टीचर जो होते हैं पागल होते हैं, पता चला झोंक दिए कहाँ एच लिखा तुम, ठीक। दूसरा आपका अपचयित हो जाएगा तो वो सी एच टू ओ एच में बदल जाएगा, सी सिक्स एच फाइव और सी एच टू ओ एच, जिसका नाम आपने दिया है बेंजिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? बेंजिल एल्कोहल। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग। और जब भी समझ लीजिए आपको सी एच ओ या सी ओ एच लाना है तो सी एच टू ओ एच ही लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? सी एच टू ओ एच ही लेना पड़ता है, ओ एच से नहीं बनता है, सी एच टू ओ एच से बनता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए पाँच रिएक्शन इसके समाप्त, आ जाइए जरा आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला रिएक्शन का आने वाला है जी, अगला कहाँ से? देखिए यहाँ पे इस सवाल को थोड़ा मैं बाद में चर्चा करता हूँ, पहले जो हमारे कार्बनिक रसायन के सवाल हैं उनकी चर्चा की जाए। करा सेंड मेयर अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए। तो मैंने आपको क्लोरोबेंजीन बनाने के दो रासायनिक समीकरण लिखवाया था, एक गाटरमैन और एक सेंड मेयर, एक गाटरमैन एक सेंड मेयर, ठीक है। तो जो आपका गाटरमैन था और सेंड मेयर था, दो के दोनों एक ही जैसे होते हैं। जो आपका गाटरमैन था और सेंड मेयर था, दो के दोनों भैया आपके एक ही जैसे होते हैं, ये बात अपनी गांठ बांध लीजिए आप लोग, ठीक है। बस अंतर क्या होता है? उत्प्रेरक का अंतर होता है। इसमें आप लेते हैं सी यू टू सी एल टू ऑब्लिक एच सी एल, क्या लेते हैं? सी यू टू सी एल टू ऑब्लिक
HCl, परंतु गार्टरमैन में आप उत्प्रेरक लेते हैं CU ऑब्लिक HCl। गार्टरमैन में क्या लेते हैं आप? CU ऑब्लिक HCl लेते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही अंतर था, बाकी सब कुछ वही था। क्या था? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, ठीक है। इसको इसको CU ऑब्लिक HCl के साथ, CU ऑब्लिक HCl के साथ गर्म करने पर, CU ऑब्लिक HCl के साथ गर्म करने पर बन जाता है क्लोरोबेंजीन और आपका N2 निकल जाता है बाहर। ये होती है गार्टरमैन। लेकिन हमको तो सेंटमेयर लिखना है, तो हमको ये लेना पड़ेगा Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl के साथ गर्म करने पर बेंजो, ये क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है और N2 गैस निकलती है। तो आपको मैंने यहाँ पे गार्टरमैन और सेंटमेयर दोनों बता दिया, बस उत्प्रेरक का फर्क है, उत्प्रेरक का फर्क है, बाकी सब कुछ तो आपका वही रहने वाला है, ठीक है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें क्या इसमें, देखिए कह रहा है कि AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया आपको किससे करानी है? भैया बोलिए तो जरा, पढ़िए सवाल को। तो क्रिया आपको करानी है HNO3 से और CHCl3 से। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैंने कई जगह पे खोजा लेकिन CHCl3 के साथ किसकी क्रिया नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन एक जगह पे सवाल हमको मिला, यही 2020 में पूछा गया सवाल, कि यहाँ पे CH3Cl लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? CH3Cl लिखा हुआ है, आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो हम लोग CH3Cl पे चर्चा करते हैं, क्योंकि जब CHCl3 का रिएक्शन ही नहीं मिला तो उसकी चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं, और दूसरे एक सेट में दिया हुआ है CH3Cl से क्रिया करने के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाकी HNO3 से तो आप जानते ही हैं नाइट्रीकरण होगा। क्या होगा? नाइट्रीकरण, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप। तो आइए लिख लिया जाए फटाक से, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसका आप HNO3 से क्रिया करा देंगे तो नाइट्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रीकरण हो जाएगा। तो क्या होगा जी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये Cl तो नाइट्रीकरण में एक बार आर्थो पे जुड़ता है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो है आर्थो और पैरादैशिक है ना। क्यों? क्योंकि इसके पास देखिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है कि नहीं होता है? जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है सब आर्थो पैरादैशिक हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो एक बार आर्थो पे जोड़ते हैं और प्लस लगा के भैया कहते हैं एक बार हमारे पैरवा में जोड़ दो, हैं तो हम कहते हैं लेओ पैरा में जोड़ दिए, हो गया। फिनाल कहें लगा रहे हैं जी, पगला गए हैं क्या? Cl Cl आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, दोनों कंपाउंड बन के तैयार। देखिए कितना आसान रिएक्शन था। अगर आप डरेंगे कब तक डरेंगे, बोलिए, डरना नहीं है आपको, लड़ना है। लड़ेंगे तो जिएंगे, नहीं तो मरेंगे, हैं। चलिए आगे बढ़े। एक और सवाल इसका था, CH3Cl से था, CH3Cl से। तो देखिए जो भैया आपका क्लोरोबेंजीन है, ये क्रिया करता है CH3Cl से, परंतु किसकी उपस्थिति में? Al Cl3 की उपस्थिति में। एक बात मैं बता दूं आपको कि जब भी यहाँ लुईस अम्ल की उपस्थिति हो जाए और यहाँ एल्किल हैलाइड से क्रिया हो, एल्किल हैलाइड से चाहे एसिल हैलाइड से, मतलब अम्ल हैलाइड से क्रिया हो, तो तुरंत ही ये रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। समझ लीजिएगा, चाहे आप एल्किल हैलाइड से क्रिया कराइए, चाहे आप एसिड हैलाइड जैसे ये RCOCl से क्रिया कराइए, और उपस्थिति यहाँ पे AlCl3 की कर दीजिए, निर्जल AlCl3 की, तुरंत ही आपकी हो जाएगी फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। और AlCl3 नहीं, कोई भी निर्जल लुईस अम्ल लगा दीजिए, कोई भी निर्जल लुईस अम्ल लगा दीजिए, सब जगह ये रिएक्शन का नाम हो जाएगा फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा? फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया आपने दो प्रकार से पढ़ी, एक एल्किलीकरण और एक एसिलीकरण। इसमें RCO जुड़ता है एसिलीकरण, इसमें CH3 जुड़ता है एल्किलीकरण। और आप बताइए इसमें कहाँ कहाँ जुड़ेगा क्लोरोबेंजीन पर? वही कहानी, एक बार आर्थो पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पर जुड़ेगा। तो एल्किलीकरण होगा ना, तो यहाँ पे एक बार CH3 जुड़ जाएगा और फिर पैरा में भी आपका एक बार CH3 जुड़ जाएगा। ये चीज बस, ये हो गई आपकी कहानी, आराम से आपने बता दिया, हो गया कि नहीं हो गया? देखिए कितना आसान रिएक्शन है, पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। तो ये पैटर्न आप दिमाग में बैठा लीजिए, मैं आपको अब बता दे रहा हूँ, ठीक है? क्या रिएक्शन रहेगा ये देखिए,
जब भी आप निर्जल लुईस अम्ल की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएं, चाहे आप एसिड हैलाइड से क्रिया कराएं, किसकी? एरोमेटिक कंपाउंड की, चाहे वो बेंजीन ही क्यों ना हो, चाहे वह क्लोरोबेंजीन ही हो, चाहे वह फिनॉल ही क्यों ना हो, ठीक है ना, हर जगह रिएक्शन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एक में एल्किल समूह जुड़ता है एल्किलीकरण, एक में एसिल समूह जुड़ता है एसिलीकरण, हो जाएगा ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, दो प्रकार होता है, दोनों में ऐसा ही कहानी होती है। इसमें भी सीएल हट जाएगा और आर सीओ जुड़ जाएगा, इसमें सीएल हटा, आपका सीएल जुड़ गया, हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? समझ में आया तो थम्सअप करिए, आगे चले हम लोग। आइए जरा देखें, रिएक्शन हो गया क्या इसका भी? हो गया। एक चीज और बचा इसमें, फ्रेयॉन का सूत्र बताइए। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, फ्रेयॉन भैया को बोलते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन मतलब इनको साल्ट फॉर्म में लिखते हैं सीएफसी, परंतु इनका सूत्र जानते हैं क्या होता है? इनका सूत्र होता है CF2Cl2, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन। इसका जो उपयोग है, उपयोग वो किया जाता है प्रसीतक के रूप में, प्रसीतक के रूप में, प्रसीतक के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा, प्रसीतक के रूप में, ठीक, प्रसीतक के रूप में, किसमें जानते हैं? फ्रिज में, अर्थात रेफ्रिजरेटर में और एसी में, इसी का प्रयोग किया जाता है फ्रेयॉन गैस का। और यहाँ से निकलती है और जानते हैं कहाँ भागती है? सीधा सीधा भागती है ओजोन परत के पास और उसको अपक्षयित कर देती है, अर्थात ओजोन परत अवक्षय का सबसे बड़ा कारण है फ्रेयॉन। फ्रेयॉन का पर्यावरणीय प्रभाव में आप लिख सकते हैं कि ओजोन परत क्षरण को, ओजोन परत को नष्ट कर देती है, ओजोन परत को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर, आइए जरा, ये वाला सवाल आपके लिए ललन टॉप सवाल है। प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल बनाइए। कितनी बार बताऊं मैं आपको ये, बोलिए तो, कितनी बार मैं बताऊं, बोलिए कितनी बार, कितनी बार मैं बताऊं आपको, बोलिए। प्राथमिक एमीन आर एन एच टू, इनको अगर आप HNO2 से क्रिया करा दीजिए, जो आपको मिलता है NaNO2 ऑब्लिक HCl से, कई बार मैंने आपको बताया हुआ है, तुरंत ही ये भैया धड़धड़ाते हुए अल्कोहल बना लेते हैं और N2+H2O छोड़ देते हैं, N2+H2O छोड़ देते हैं, यही आपका होता है रिएक्शन। बोलिए गलत है क्या? हैं, कितना आसान रिएक्शन था ये, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, बोलिए, सिर पटक लीजिए अगर आप नहीं कर पाए इस बात को। तो चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे आइए जरा बात करें इसकी। एल्कीन से बनानी है, एल्कीन से तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसका योग कराएंगे आप इस पर? एल्कोहल बनाना है तो जल का योग कराएंगे, अम्ल की उपस्थिति ले लीजिएगा, अम्ल की उपस्थिति ले लीजिएगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिए होगा ना, ध्यान दीजिए आप लोग, होगा कि नहीं? तो क्या कर लेंगे आप इसको, क्या करेंगे बोले हम? देखिए इसको आप करेंगे, पाई तोड़ेंगे, सिग्मा बनाएंगे, तो CH3CH2 और उससे जुड़ जाएगा आपका OH, ये देखिए आपका एल्कोहल बन गया। अभी अगर असममित द्विबंध होता तो मार्कोनी काफ के नियम से द्वितीय अल्कोहल बनता, कौन सा अल्कोहल बनता? द्वितीय अल्कोहल बनता, मैंने आपको पीछे मार्कोनी काफ नियम में पढ़ाया हुआ है, जाइए अच्छे से पढ़िए, एकदम बढ़िया से दंदनाता हुआ। चलिए आगे बढ़े, इसमें भैया फिर का कहें जी, इनका RCOH से क्रिया करा दी जाए, किससे? RCOH से। अरे भैया एल्कोहल की जब आप RCOH से क्रिया कराएंगे तो क्या होता है? इस अभिक्रिया का नमवा का होता है बताइए जरा तो, इस अभिक्रिया का नमवा होता है भैया एस्टरीकरण, का नाम होता है एस्टरीकरण, टेस्टरीकरण है। बोलिए जब ना आपका अम्ल होता है, इससे निकलता है OH और एल्कोहल से निकलता है H, तुरंत ही बन जाता है RCOOR एस्टर, क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है, मतलब टेस्टर, टेस्टर, इस अभिक्रिया का नाम एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की आपस में क्रिया से एस्टर का बनना एस्टरीकरण कहलाता है। इस अभिक्रिया को हमने पीछे भी आपको पढ़ाया हुआ, इस तरह से ऐसे पढ़ाया हुआ है मैंने, ऐसे ऐसे पढ़ाया है मैंने, ऐसे यहाँ से निकला OH, यहाँ से निकला H, RCOR निकला कि नहीं निकला? बोलिए कितना आसान डल्लन टाप रिएक्शन था ये, बोलिए जब बढ़िया रिएक्शन है ना। बस चलिए उसके बाद इसकी HX से क्रिया करानी है, HX से, तो देखिए एल्कोहल की HX से क्रिया कहेंगे, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मार तमाचा खींच के गाल लाल हो जाए, हैं
लुकास अभिकर्मक से आप क्रिया पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, जेड एन सी एल टू ऑब्लिक एच सी एल, तो वही तो है, वही तो रिएक्शन हुआ है, बस सी एल की जगह एक्स नहीं आ गया क्या? देख लिए तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, ताकि उस पर, ताकि हमार मोहम्मद देखिए उस पर, ताकि उस पर हम फेरन लबड़ी लगा नहीं आए, गोरे दिख रहे हैं हमको, देख रहे हैं सवाल, देखिए उस पर, देखिए हमारा चेहरा मत देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए इधर, यहाँ से यही आपका रिएक्शन है, एच एक्स आ गया है यहाँ पे, का होता है एल्किल हैलाइड बनते हैं ना इसमें, तो एल्किल हैलाइड बनते हैं भैया, और विलयन धुंधला हो जाता है, यही तो था लुकास परीक्षण, लुकास परीक्षण था कि नहीं था, हैं कि एल्कोहलों की क्रिया लुकास अभिकर्मक से कराने पर विलयन धुंधला हो जाता है, अगर तुरंत धुंधला हुआ तो तृतीयक एल्कोहल, 5 मिनट बाद धुंधला हुआ द्वितीयक एल्कोहल, अगर 5 मिनट बाद भी धुंधला नहीं हुआ प्राथमिक एल्कोहल, भैया लुकास परीक्षण खत्म, और यही रिएक्शन वहाँ लिख दिया करिए उसमें, यहीं पे लिख देना धुंधला, क्या लिख देना धुंधला, और यहाँ यक्स की जगह सी एल लिख लेना, बस खत्म काम, लुकास अभिकर्मक हो गया, देखिए कितना आसान रिएक्शन था, हो गया कि नहीं हो गया, ये सब हो गया आसान से, हो जाएगा ना जब पढ़ेंगे भैया ना, सब होगा, सब होगा, सब ठीक है। एक यहाँ पे आया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल का विरेचन लिखिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो भैया जो किताब में नकल मारे हैं उसको बता रहे हैं, दूसरा आपको पैटर्न बता रहे हैं, फिर आप बताइए कौन बढ़िया है, आप जिससे मर्जी उससे कर लीजिएगा। चलिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, C6H5EnN2Cl, ठीक, तो इससे आपको फिनॉल बनाना है, तो हम लोग इसको जल के साथ गर्म कर दिए थे, जानते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो तुरंत ही इसका N2 और HCl निकल गया बाहर और आपका बन गया फिनॉल, मतलब इसको बोलते क्या है हिंदी में कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करने पर, क्या करने पर जी, यहाँ पे इसको भाप लेते हैं, भाप आसवन करने पर फिनॉल बनता है तथा N2 और HCl बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, सीधा रिएक्शन है ये, तो अगर आपको इसको रटना होगा तो रटिए। दूसरी बात, आपने अभी पीछे पढ़ा गाटरमैन सेंडमेयर, वो तो याद ही करना है आपको कन्फर्म, गाटरमैन सेंडमेयर आपने पढ़ा तो उसको याद ही करना है, क्या कि C6H5N2Cl इसको Cu/HCl की उपस्थिति में अपचयित कराया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा C6H5Cl बनता है और प्लस N2 निकल जाता है बाहर, और आप क्लोरोबेंजीन का देखिए, पहले में यहाँ पहुँचे, दूसरे में क्लोरोबेंजीन की डाओ अभिक्रिया करा दीजिए, डाओ अभिक्रिया, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की आप डाव अभिक्रिया करा देंगे C6H5Cl और प्लस इसकी क्रिया NaOH से करा देंगे, कब, उच्च ताप और उच्च दाब पर, उच्च ताप दाब पर करा देंगे, क्या बन जाएगा जी बोलिए, तो बन जाएगा C6H5OH और प्लस NaCl बन जाएगा, बना कि नहीं बना, देखिए तो जरा आसान से बन गया नहीं बन गया, तो काफ़ी बढ़िया रिएक्शन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो आप पैटर्न पे कर लीजिए, चाहे आप पीछे से रट के कर लीजिए, जो मन में आया वो बना लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है आपको, ठीक है, और बाकी इसकी क्रियाएं दी गई हैं, KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया है, ये आपका रीमर टीमेन अभिक्रिया मैंने आपको बता रखा है पहले, और आपको फिनॉल की NaOH से क्रिया तो आप जनवाई करते हैं, फिनॉल में भैया अम्लीय गुण होता है, अगर अम्लीय गुण है तो तुरंत ही ये क्षार से क्रिया कर लेगा और आपका OH और H मिल के भाग जाएंगे, अम्ल का एच भाग जाएगा, क्षार का OH भाग जाएगा, तुरंत ही आपका बन जाता है C6H5ONa, जिसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड होता है, ठीक है, और प्लस आपका H2O निकल जाता है, तो रीमर टीमेन मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, आप रीमर टीमेन अपने आप से करेंगे, पीछे देखिएगा थंबनेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, और सांद्र HNO3/SAND2SO4 से क्रिया, ये तो बन जाता है फिनॉल से पिकरिक अम्ल, कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसको बोलिए, तो ये आपका हो जाएगा, और ये आपका रीमर टीमेन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको थंबनेल में ही मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, थंबनेल में ही आपको मिलेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ना बता रहा हूँ ना बताऊँगा, ठीक है। चलिए तो हो गया आपका पूरा पूरा सवाल समाप्त, जो लास्ट सवाल बचा था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, जो आपको खुद करना है घर पे होमवर्क के रूप में। देखिए कह रहा है, ऐसे रिएक्शन है, संभवतः कल की क्लास में जब सेट नंबर 3 कराऊंगा तो बीच में इसको लाके मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, बाकी इसमें आप घर पे मेहनत करिएगा, ये वाला सवाल पढ़िएगा, वसा में विलेय विटामिनों को सूत्र लिखिए, कौन कौन है वसा में विलेय, A, D, E और K वसा में घुलते हैं, अणु सूत्र, रासायनिक नाम और उनका महत्व, सोचिए क्या क्या पूछ ले रहा है पेपर में,
अरे अणुसूत्र कौन पूछता है भैया, इतना बड़ा अणुसूत्र होता है, ए डी ई के, कौन इतना बड़ा अणुसूत्र पूछता है, बोलिए तो। इनकी कमी से होने वाला रोग भी लिखिए, और दिए एक एक नंबर है, मतलब परिभाषा लिखिए विटामिन की एक नंबर, चार लोग के अणुसूत्र लिखिए एक नंबर, चार लोग का रासायनिक नाम लिखिए एक नंबर, महत्व लिखिए एक नंबर, और इनकी कमी से होने वाला रोग लिखिए एक नंबर। अरे खिलवाड़ है क्या, एक एक नंबर ऐसे देंगे आप, ऐसे नहीं होना चाहिए पेपर, लेकिन क्या करना है, पढ़िए आप, पढ़ते रहिए हैं, आपको पढ़ना है मरना है, इनको लोग को क्या करना है, पेपर में लिख देंगे। अरे भैया अणुसूत्र कौन याद कराता है, इतना खतरनाक अणुसूत्र है, याद करेंगे क्या आप उसको, अरे रासायनिक नाम पूछते बहुत था। ठीक है कोई बात नहीं, करिएगा। दो विधियों से बनाइए, एक आप बनाइएगा चीनी का जल अपघटन करा दीजिएगा, दूसरा आप करा दीजिएगा स्टार्च का जल अपघटन, बन गया आपका, बनवाया भी गया है इससे आपको। उसके बाद हाइड्रोक्सीलेमीन से क्रिया कराइएगा, अभी मैं पीछे ही बता के आया हूँ, जो सेमी कार्बेजाइड मैंने बताया वो देखिए H2NOH ही था, ऐसा ही रिएक्शन रहेगा, वो वाला निकल जाएगा, कार्बोनिल का परीक्षण देता है, एसीटिकएनहाइड्राइड 5OH समूह का परीक्षण मैंने साफ साफ आपको लिखवाया हुआ है, इन अभिक्रियाओं से क्या प्रमाणित होता है ये भी पूछा गया है, तो यही बताएंगे। इससे आपको CHO समूह की पुष्टि होती है, इससे आपको 5OH समूह की पुष्टि होती है। ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग भी लिखिए, है रोगी को ड्रिप चौंकने में जी, जब बेहोशी छाती है ना ग्लूकोज का ही ड्रिप चढ़ाते हैं, हैं होता कि नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, साथ में क्लास को शेयर करते रहिए, और अपने सोशल मीडिया ऐप पर शेयर जरूर करिए, जिससे लोगों को थोड़ा सा उस पर आकर्षण होगा, उसे लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।